उत्तर प्रदेश में भदोही के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पे कांवड़ियों का समूह बाबा धाम के लिए रवाना हुआ। आज से सावन शुरू हो गया है और शिव भक्त केसरिया वस्त्र पहने हुए शिव दरबार में जल चढ़ाने के लिए रवाना हो रहे हैं। वही शिव भक्त बताते हैं कि सैकड़ों किलोमीटर उन्हें पैदल जाना होता है, वहीं पैदल चलते चलते उनके पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं, लेकिन भोलेनाथ की शक्ति से वो भक्ति के रंग में रंगकर शिव दरबार में जाते हैं और शिव को जल चढ़ाते हैं। हम सन 80 से जा रहे हैं, 38 साल हो गए। बाबा से जो कुछ मांगते हैं बाबा बराबर हमारी मांगे पूरी करते हैं, हमारी मुरादी सारी पूरी कर देते हैं। और हर साल हम उम्मीद रखते हैं कि सावन में कभी नागा ना जाए, और हर सावन में जाते हैं। और इसी के साथ हमारे गोल वाले सब साथ में रहते हैं, 35-40 के गोल रहता है, सब लोग साथ में जाते हैं और वहाँ पे मत्था टेकते हैं। वहाँ से बासुकीनाथ जाते हैं, बासुकीनाथ से फिर जल चढ़ा के घर आते हैं, और बाबा से जो भी मुराद मांगते हैं सब पूरी हो जाती है।